हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे मैं हूं अनुद्धा सर आपका फिजिक्स फैकल्टी यहां पे लेके आए हूँ आपके लिए एक जेई एडवांस का सेशन जहां पे हम वो सिर्फ पीवाई क्यूज नहीं करेंगे कुछ पीवाई क्यूज है पीवाई क्यूज है बस माहौल बनाने के लिए एक बार माहौल बन गया फिर हम थोड़े एक्सटर्नल क्वेश्चन पे चले जाएंगे जहाँ पे एग्जैक्टली न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं है बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा थोड़ी गहराई से चीज को देखनी पड़ेगी और अगर आपने किया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैं क्वेश्चन लाया हूं वो वैरिंग डिफिकल्टी लेवल के हैं मतलब कुछ ईजियर क्वेश्चन वो वाला पेज का पेज खोल तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इजियर लेवल पे भी है मॉडरेट पे भी है और डिफिकल्ट लेवल पे भी है लेकिन ईजी भी जो है उसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि यार एडवांस की बात कर रहे हैं हल्का ये जेई मीनस नहीं है ये बच्चों का खेल नहीं रहा आप तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं हेलो स्वीटी गुरप्रीत जयेश भाई यस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं नॉट आदित्या इन चेक करो खुलेगा हेलो अर्पित गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम हेलो अनमोल नवीन ऐसा है क्या आप में कुछ इशू हो रहा है ठीक है रेज इट विदाउट टेक टीम वो लोग रिजोल्व करेंगे इसको गुड आफ्टरनून ऑलराउंडर ठीक है आदित्य पूछ लेना आई ट्राई टू एड्रेस हाय बर्लिन वेलकम वेलकम चलो शुरू करते हैं डायरेक्टली उतरते हैं माहौल में अगर अब मैंने पीवाई क्यूज का ग्रेविटेशन के ऊपर ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है जिसमें मैंने पीवाई क्यूज डिस्कस किए ठीक है नहीं नहीं बस पीवाई क्यू नहीं रहेंगे पीवाई क्यू बस बिगिनिंग के शायद दो या तीन क्वेश्चन पीवाई क्यू है बस ताकि थोड़ा माहौल बन जाए फिर हम लोग चले जाएंगे एक्सटर्नल क्वेश्चन पे ठीक तो पहला वाला पी आई वाई क्यू अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला पीवाई क्यू सेशन देखा है तो आपको ये पता है आपने वहाँ पे भी मैंने ये किया था बस यही एक आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेगा बाकी नहीं मिलेंगे तो ये मत सोचो कि पूरा रिपीट सेशन है यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हम लोग हर सेशन नया लाते हैं आपके लिए तो आपको यहाँ पे बेसिकली करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अगर आपने मेरा पहला सेशन देखा हुआ है तो आपको पता है थोड़ा आइडिया है रिकलेक्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो हम देते हैं दो मिनट दो मिनट में हम थोड़ा क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे थोड़ा समझाएंगे कॉन्सेप्ट को अगर आपको आता है उत्ते में लेट सी इफ़ यू कैन गेट अ फ्यू आंसर्स टू आवर सेशन पता नहीं देखते हैं अब एडवांस का सेशन है और मैं वैसे न्यूमेरिकल स्पीड में नहीं कराना चाहता मैं पहले भी ये बताया हूँ एडवांस के लिए इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वान्टिटी तो क्वेश्चन भी बहुत भर के नहीं लाए हूँ ताकि आप बाई द टूवर्ड्स द एंड आधे क्वेश्चन दिमाग में न रहे तो अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन हैं और आहिस्ता समझ समझ के जाएंगे

Entire mass lost by A is deposited as a thick spherical shell on B, with the density of the shell being rho A. If v A and v B are the escape velocity from A and B after the interaction process, so what is the ratio between v B and v A? <clears throat> right? Chalo Berlin has given an answer 2.30. We will check. <coughs> Hi viru welcome, welcome. तो पहले समझते हैं सीनारियो बता रहा है क्योंकि याद रखना एडवांस के क्वेश्चन अक्सर इतने फैले होंगे ना अब बिग ट्रिक ओवर देर इज आपको समझना है कि एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन में बताया क्या विजुअलाइजेशन करना इस तो, की है। तो समझते हैं क्या हो रहा है ओरिजिनली ये प्लेनेट उप ओरिजिनली यही पे क्वेश्चन वाले स्लाइड पे ही करते हैं ओरिजिनली सपोज ये है आपका प्लेनेट ए और ये है आपका प्लेनेट बी दोनों का रेडियस सेम है लेकिन दोनों के मासज अलग है क्योंकि दोनों के डेंसिटी अलग है डेंसिटी अलग है दोनों में आ, वी रूट लगाना है क्या सर क्लोज yes, पहले वाले के लिए तो वही होगा दूसरे वाले में आपको थोड़ा सोचना है राइट right? तो यहां पे आप देखो कि अब हो क्या रहा है इसका आधा पार्ट आधा रेडियस हो गया इसका आफ्टर इंटरेक्शन ए का रेडियस आधा हो गया और जो भी बचा खुचा यहां पे मटेरियल था जो भी बचा खुचा मटेरियल था वो जाके बी पे डिपॉजिट हो गया बी ओरिजिनली तो इतना था ये रेडियस के साथ ठीक अब उसके ऊपर एक और परत पड़ गई है जो मास आया है ए से अब पूछा गया कि इसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी और इसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या होने वाला है, ओके? Okay? जो चैप्टर डिलीट था वो एडवांस के लिए अलग से करा दीजिए हाँ उसका एक सेशन आई विल ब्रिंग जैसे कुछ छोटे टॉपिक कार्नोटिन जिनसे उनको I will, I will उसको करा देंगे बी इज इक्वल टू टू रो, रो उस रस्ते भी आपको नहीं जाना है मैं बताता हूं देखो आपको करना क्या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम इसका मास ए का मास ओरिजिनली था एम ए और बी का मास था एम बी एम बी का मेरे को पता है एम बी इज़ टू टाइम्स ऑफ एम एम देखो इसका जैसे ही रेडियस आधा हो गया आधा मास जैसे ही चला गया तो अब नया मास ऑफ एम ए क्या है वॉट इज द न्यू मास ऑफ एम एम ए डैश क्या होगा तो अब देखो रेडियस ऑफ ए सॉरी डेंसिटी ए वुड बी एम ए डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब राइट आर है ओरिजिनल रेडियस दोनों का सेम रेडियस है आर यह है ओरिजिनल केस पे अब इसके बाद अगर मेरा रेडियस हाफ हो गया तो एम ए डैश विल बी इक्वल टू रो ए डेंसिटी तो सेम है लेकिन मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम में लगेगा फोर बाई थ्री पाई आर बाई टू क्यूब क्योंकि रेडियस हो गया है एम ए डैश आएगा अगर आप इसको यहां पे बिठाते हो तो आपका आएगा एम ए डैश इज इक्वल टू ऑरिजिनल मास बाईट तो रेड तो मास ऑफ ए सिर्फ बचा रहा पहले जितना मास था उसका सिर्फ वन बाई एट अब बोलोगे सर रेडियस हाफ से वन एट कैसे हो गया क्योंकि आउटर शेल में मास ज्यादा था उसका एक्चुअली वॉल्यूम ज्यादा है ओके एम बाई एट करे धीरू ये yes, सेक्युरसिटी का इसीलिए हम बहुत हड़बड़ी में नहीं करेंगे समझ के जाना आपको अगर कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है आप मेरे को रोक के बताना मैं आपको अलग से समझाऊंगा वहां पे राइट right? क्योंकि एडवांस का सेशन है एडवांस के सेशन की तरह ट्रीट करना है ये मेरा आ गया कि मास ऑफ ए आ गया m so a डश बाय 8 सो व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑफ इट एस्केप स्पीड का जनरल फार्मूला क्या होता है root √2 gm r राइट right? तो ए के केस में वो है √2 G इन टू अब उसका रेडियस हो गया एम ए डैश डिवाइडेड बाई आर बाई टू क्योंकि रेडियस है आर बाई टू सो विल बी इक्वल टू टू इंटू जी एम ए डैश इज एम ए बाई एट इन टू आर और ये आर बाई टू का टू ऊपर जाएगा टू तो उसको हटाओ यहां छोटा फोर सो so, मेरा वी ए रूट ओवर ऑफ जी एम एड बाई फोर आर चलो एक तो हो गया मेरा, एक बन गया निकालने कट ऑफ तीन में नहीं दो ही ले लो कट ऑफ जनरली आठ से दस में रहता है तो आप डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हो अगर फोर मार्क्स के क्वेश्चन आपको फोर के फोर मिल रहे तो दो क्वेश्चन से भी कट ऑफ हो जाएगा ओके गुड आफ्टरनून अभिषेक वेलकम तो ये हो गया मेरा वी ए। अब वी का स्टोरी क्या है देखो वीबी के लिए मेरे को निकालना है कि इज़ द अभी एम बी डैश अभी टोटल मास हो गया है वो एम बी डैश कितना है मास ऑफ बी तो एज इट इज है उसके ऊपर जो मास ऑफ ए से जो निकल के आया वो एड तो इट इज टेक्निकली एम बी प्लस डेल्टा एम ए मास ऑफ ए इतना कमा सो so मैं लिख देता हूं ये मेरा हो गया मास ऑफ बी एम बी डैश इज एम बी प्लस डेल्टा एम ए अब डेल्टा एम ए कितना है एमए से एमए बाई एट हुआ तो द चेंज इन मास इज सेवन एम ए बाई एट तो इसको मैं लिख सकता हूं एम बी है टू एम ए वो क्वेश्चन में दिया था प्लस डेल्टा एम ए है सेवन एम ए बाई एट करेक्ट धीरू इसका आएगा मेरे को आप करोगे एलसीएम करोगे सिक्सटीन प्लस सेवन ट्वेंटी थ्री एम ए बाई एट यह है मास ऑफ बी नेक्स्ट मैं ढूंढने जाऊंगा कि रेडियस ऑफ बी क्या है क्योंकि अभी रेडियस पहले तो आर था लेकिन अब बढ़के कुछ और हो गया है। वो कैसे निकाले कि के कितना हुआ है तो आप देखो गॉड डालो कि जो वॉल्यूम यहां से निकला ना वही वॉल्यूम जाके एस परत इसके ऊपर लग गया है वही परत इसके ऊपर लग गया है ठीक तो वॉल्यूम ए से कितना गया यहां पे लिखते हैं ये मैं हर पार्ट सेपरेट कर लाओ ताकि प्रॉपर पार्टीशन हुआ रहे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए शुड बी इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी क्योंकि ए से जो वॉल्यूम वहीं जाके बी में चिपका तो ए का वॉल्यूम चेंज क्या है ए का वॉल्यूम चेंज हैल था आर अभी हो गया आर बाई टू सो आर क्यूब माइनस आर बाई टू होल क्यूब आर से आर बाई टू हो गया और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बी कितना है वो टेक्निकली रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ द शेल सपोज मैं आउटर रेडियस को आर डैश बोलता हूं या आर नॉट बोलता हूं चलो आर नॉट बोलता हूं आउटर रेडियस को आर नॉट बोलता हूं तो वो जो चेंज इन वॉल्यूम इन बी है दैट इज फोर बाई थ्री पाई इंटू आर नॉट क्यूब माइनस आर क्यूब राइट बाई थ्री पाइस काट दो यहां पे क्या आया आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई एट यहां पे भी सेवन आर क्यूब बाई एट आएगा उधर से एक प्लस आर क्यूब बाहर आएगा आएगा क्या आर नॉट क्यूब सो आपका यहां पे आएगा आर नॉट क्यूब इज फिफ्टीन आर क्यूब डिवाइडेड बाई एट मीनिंग यहां तक एडवांस में भी केमिस्ट्री सबसे होता है क्या नहीं एडवांस में सब इक्वल फुटिंग पे आ जाते हैं इनफैक्ट आपको बल्कि एडवांस में मैथ सबको कंपैरेटिवली कभी कभी इजियर लग जाएगा केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट लग जाएगा इन सम पेपर विच चैप्टर हाइय इन फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स एंड रियोप्टिक्स राइट तो चलो आर नॉट इज इक्वल टू इससे हम लोग स्टार्ट किए ओके okay? अब उसके बाद उसके आगे मेरे को आर नॉट मिल गया मेरे को मास ऑफ बी मिल गया तो अब वॉट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ बी रूट टू जी एम बी डैश डिवाइडेड बाई आर नॉट क्योंकि बी का अभी मास हो गया एम बी डैश और रेडियस हो गया आर नॉट राइट सो आएगा क्या टू इंटू जी एमबी डैश है मेरा ट्वेंटी थ्री एम ए बाई एट बाई एट आर नॉट मैंने निकाला है आर टू दी पावर आर इंटू फिफ्टीन टू दावर वन बाई थ्री बाई टू 15 टू दी पावर 1 बाई थ्री इंटू टू तो कुछ चीजें यहां पे कटेंगी 2 2 काट के ये 4 छोड़ेगा तो मेरा क्या बचा वी बी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ट्वेंटी थ्री जी एम ए बाई फिफ्टीन टू दावर वन बाई थ्री इंटू फोर आर अब मैं इसको ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा क्योंकि आप देखो मेरे को वीबी और वी ए देखो वी ए क्या था GMA by 4R, मतलब ये वैसे ही फॉर्म में था बस न्यूमरेटर को टेन एन लिखना था टेन एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री तो एन इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री करेक्ट मेरे को काफी सारे आंसर सही मिले गुड वर्क स्टूडेंट्स गुड वर्क टू नहीं लिखना है टू नहीं लिखना है इसको इसको टू नहीं लिखना है याद रखना एडवांस्ड में आपको एक्चुअली डेसिमल पॉइंट्स पे देने पड़ेंगे टू डेसिमल पॉइंट्स। मत लिखना ये जे मेंस नहीं है ये गलती मत करना ठीक है क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन पहला वाला पहले भी एक बार कराया हुआ है मेरे वाई सेशन में बड़े आगे चल यस टू पॉइंट थ्री जीरो टू पॉइंट थ्री जीरो इज करेक्ट आप टू पॉइंट थ्री भी लिखोगे तो भी चल जाएगा वो लोग का अगर डेसिमल प्लेस में होता है ना तो एक रेंज रहता है अबाउट जीरो पॉइंट जीरो फाइव इधर जीरो पॉइंट जीरो फाइव उधर रेंज रहता है एक यस टू पॉइंट थ्री जीरो करेक्ट आई थिंक मेनी ऑफ यू गॉट करेक्ट बर्लिन अनमोल राहुल हेलो श्रेयांश वेलकम चलो अगले वाले पे चलते हैं अगला वाला थोड़ा पुराना पेपर में लेके गया हूं बट मैं दिखाना चाहता हूं कि एडवांस में सब पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है सब क्वेश्चन सॉरी सब पेपर गलत बोल रहा हूं सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है उदाहरण है ये क्वेश्चन इसको गौर से देखो ओवर थिंक मत करो क्वेश्चन को लेके लेकिन कोई शॉर्टकट तरीका निकालो मतलब ये क्वेश्चन इवन दो एडवांस का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेंटली हो जाएगा ये ऑलमोस्ट मेंटली आप इसको निकाल दे पाओगे लेट्स सी इसका आंसर कौन निकाल पाता है लेट्स सी और स्टूडेंट्स आपको पिछला क्वेश्चन पसंद आया आगे के क्वेश्चन भी पसंद आएंगे और अगर ऐसा हो रहा है तो यार लाइक like बटन पे क्लिक मार दो वी आर स्टिल एट स्टिल्वेंटी लाइक्स उसको एटलीस्ट पचास लाइक तक तो भेजना ही हमें तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहो क्योंकि आपकी एडवांस की तैयारी के लिए हमारे यहाँ डेली क्लासेस हो रही हैं हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एवरी आई थिंक uh, मैथ्स होता है आपका केमिस्ट्री ट्यूजडेम फिर आएगा फिजिक्स आज वेडनेसडे फिर कल केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स ऐसे चलता रहेगा हाय तो मेक श्योर sure आप सब्सक्राइब दो हमारे इन्फिनेटी लर्न जेई चैनल पे आपकी पूरी हेल्प करते रहेंगे हम लोग ऑल द वे टिल एडवांस और अगर कुछ बच्चे साथ में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यह डाल देना कि आप किस किस प्राइवेट इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा हेल्प चाहते हो आप वो तब हम अकॉर्डिंगली उसका क्या पेपर पैटर्न है या फिर अगर कोई स्पेसिफिक टिप्स है उसके लिए उनके ऊपर भी हम लोग सेशन लेके आएंगे तो जस्ट मेक श्योर यू फिल अप द कॉमेंट सेक्शन चैट नहीं कॉमेंट्स ठीक इज इट सफिशियंट फॉर जेई देखो मैं यहाँ पे आपको डेढ़ घंटे दो घंटे का एक सेशन कराऊंगा ये काफी नहीं है सीधी बात है ये काफी नहीं है अगर कोई भी टीचर बताता है मैं आपको दो घंटा क्लास कराऊंगा काफी है भाई वो आपको फेंक है ठीक है वो वो नहीं लेना है आपको मेरा काम यहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा यूज टू कर दे थोड़े कॉन्सेप्ट अगर आप, अगर आपको आपके डगमगाए हुए हैं उनको थोड़ा संभाल दें ताकि फिर आप जाके खुद से प्रैक्टिस कर पाओ आप में वो जोश आए आपको वो उतना कठिन ना लगे जय एडवांस बहुत बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं मेरा पर्पस है यहाँ पे कि आपको दिखाना कि आप कर सकते हो थोड़े ट्रिकी हैं थोड़े चैलेंजिंग हैं लेकिन मजा आएगा करने में ठीक है तो आपको अपने एंड पे प्रैक्टिस जारी रखनी है गॉन फॉर पॉइंट टू स्टार्स का मास दोनों का एक टू पॉइंट टू और एक का इलेवन एम एस इज द मास ऑफ द सन सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी रोटेटिंग अबाउट दर सेंटर ऑफ मास विच इज स्टेशनरी अब देखो जेई मेन्स में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है अभी राइट right? रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास हाउ मच राइट तो ये सपोज स्टार ए है जिसका मास कम है और ये सपोज स्टार बी है जिसका मास ज्यादा है ठीक दोनों के सेंटर के बीच में सेंटर ऑफ मास आप समझ सकते हो बी की तरफ ज्यादा होने वाला है यह होगा सेंटर ऑफ मास बी की तरफ क्योंकि वह हैवियर है और इसके अबाउट दोनों घूम रहे हैं। और दोनों का रेडियस ऑफ टर्निंग अलग है इसका अगर आर ए है तो इसका है आर बी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डी राइट वो लोग अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं तो ये इसका रेडियस है वो उसका रेडियस है राइट सेवन बाई ट्वेंटी नाइन डी नहीं, नहीं। मत जाओ उधर रुको रुको आहिस्ता mentally हो जाएगा ये question. तो ये तो तो है है अब आपको क्या पूछा गया है कि ratio of total angular momentum. Total angular momentum मतलब इसका angular momentum plus इसका angular momentum, right? तो मैं लिखता हूं मेरे को क्या चाहिए आंसर में टेक्निकली एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाई एल बी एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी एल ए क्या है एल ले को मैं लिखता हूं मास ऑफ ए इंटू ओमेगा इन रेडियस ऑफ ए स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला प्लस एम ऑफ बी ओमेगा आर ऑफ बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंट ऑफ बी है एम ऑफ बी ओमेगा आर ऑफ बी होल स्क्वायर राइट ओमेगा सेम है क्योंकि दोनों का एंगुलर दोनों का टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो सबसे पहले आप काट के हटाओ कट गया अगली चीज मैं लिखूंगा एम ए आर एंटू आर ए मैंने बस आर ए स्क्वायर को आर ए इंटू आर ए किया क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा एम बी बी इंटू बी डिवाइडेड बाई नीचे वाला भी सेम चीज एम बी आर बी इन टू बी। अब मैं इसको ऐसे फॉर्म में क्यों किया क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास में इसी में बोलता हूं फिजिक्स में दो तीन चैप्टर मर्ज होकर क्वेश्चन बनता है सेंटर ऑफ मास में एक कॉन्सेप्ट है कि मास अगर सेंटर ऑफ मास से आप डिस्टेंस निकालो फॉर अ टू बॉडी सिस्टम देन एम ए आर ए इज इक्वल टू एम बी आर बी सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ही कॉन्सेप्ट है कि मास मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास वो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है मतलब यहां पे अगर वैसा हुआ तो मैं डिनोमिनेटर से इनको काट दे सकता हूं तो मेरा फाइनली क्या आता है आर ए प्लस आरबी डिवाइडेड बाई आरबी आर ए प्लस आरबी क्या है आर ए प्लस आरबी इज डी तो टोटल तो 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 डिस्टेंस आर ए प्लस आरबी और आरबी सिर्फ कितना है टू बॉडी सिस्टम टू बॉडी सिस्टम में इज़ इक्वल टू दासड बाई एम ए प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर टू बॉडी सिस्टम उसको बिठाओ यहां पर इंटू डी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी डी स्को निकालो एम ए प्लस एम बी क्या है टू पॉइंट टू प्लस इलेवन डिवाइडेड बाई मासू पॉइंट टू सो दैट इज थर्टीन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई टू पॉइंट टू ये जाएगा सिक्स। तो द आंसर इज जस्ट सिक्स यस राहुल इट इज जस्ट सिक्स केपलर लॉ नहीं है ये कहां केपलर लॉ का है केपलर लॉ के रस्ते आप नहीं जा रहे हो ये ठीक है सनातन डब्ल्यूबीजी की हेल्प चाहिए तो कमेंट से कमेंट में डाल देना इज इट क्लियर सबको यस आंसर इज सिक्स देखो पूरा मेंटली आप ये कर दे सकते हो पूरा मेंटली अगर आपको ये बेसिक सेंटर ऑफ मास की लॉजिक्स पता है आप ऐसे ही बना लोगे हाउ टू फाइंड आर ये तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला है वीरू एक बार

अब बस के के साथ साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर कर दो दो भी तो बी भी होता है ठीक है यही मैं बता रहा हूं जेई एडवांस्ड में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है ट्रिक इन जेई एडवांस की आप क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ पाते हो कि नहीं और हर टुकड़ा एक डिफरेंट चैप्टर से सॉल्व होगा अगर आप उसको नहीं था बट इट वॉज अ मॉडरेट लेवल समझ में आया सबको बड़े आगे बढ़ने के लिए देखते हैं वो लाइक्स का नंबर थोड़ा साथ में बढ़ता है कि नहीं हमारे साथ साथ तो हिट दैट लाइक बटन अगर अभी तक लाइक like नहीं किया हो तो चलो अगली स्टोरी पे चलते हैं Got 75, very good. Rahul, thank you. I'm happy. तुम लोगों के लिए आप लोग ऐसे रिजल्ट्स लाते हो इसीलिए हम लोग का मोटिवेशन रहता है कि हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं डेली पढ़ाते रहते हैं रोटेशनल मोशन का लेंगे भाई पहले ही मैं नहीं चाहता कि लोग थोड़े से पहले एकदम डिफिकल्ट टॉपिक्स ला लो हम पूरा स्ट्रैटेजिकली चीज को करेंगे देखो ग्रेविटेशन भी टॉपिक है, right? तो है, है, वो, वो तो है बर्न आउट हो जाओगे आप, आपका मोटिवेशन ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगा एक प्लान है स्ट्रैटेजी है कराने दो हो जाएगा आपका नहीं हो ये तो अलग अलग सिस्टम है ना ये ये नहीं कि सेम बॉडी अलग-अलग पॉइंट पे आप देख रहे हो दो अलग-अलग मास -अलग है उसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा केपलर लॉ अप्लाई करता है सेम बॉडी अलग-अलग पॉइंट पे है। यहां पे दो अलग-अलग बॉडीज -अलग है अह uh, 120 प्लस मार्क्स इन अप्रैल सेशन 2 बहुत ऊपर नहीं होगा मे बी 92 93 95 तक पहुंचना भी थोड़ा मुश्किल है 95 के नीचे रहेगा 206 टू अप्रैल शिफ्ट अप्रिली नाइन रहेगा 99 रहेगा 206 पे राइट right? चलो अगला वाला गो फॉर दिस वन एक और पी क्यू है गो फॉर दिस वन उन्नीस नाइन शिफ्टी नाइन पॉइंट एट गारंटी नहीं दे सकता नाइनटी नाइन पॉइंट फाइव सिक्स तक पहुंच जाओगे तक थोड़ा सा डिपेंड करता है के ऊपर होगा, वैसा, 98 पकड़ लो, इसका <coughs> बताओ, सरफेस ऑफ दिया हुआ है रूट सिक्स बाय इलेवन जी तो रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सिलेशन आपको पता है साथ ही साथ रेशियो ऑफ द एवरेज डेंसिटी भी आपको पता है पूछा गया है कि एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ अगर 11 किलोमीटर पर सेकेंड है तो उस प्लेनेट पे एस्केप स्पीड क्या होगा मतलब यू हैव टू फाइंड अ वे कि आप एस्केप स्पीड को रिप्रेजेंट कर पाओ इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर आप उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिए तो उनके रेशियोज को बिठा के आप निकाल पाओगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है कि आपको किसी तरह मैनिपुलेट करना है आप देखो स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या है उसमें कैसे आप रीएडजस्ट कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बचे और रेडियस बचे और सॉरी और डेंसिटी बचे बाकी कुछ कॉन्स्टेंट हो सकते हैं पाई या ऐसे वारे वो उनका भूल जाओ लेकिन मास नहीं रहेगा रेडियस नहीं रहेगा सिर्फ स्मॉल जी रहेगा और डेंसिटी रहेगा आप कैसे चीज को यूज घुमा फिरा के कर सकते हो वन फोर्टी फाइव शिफ्ट टू नाइन्टी फाइव परसेंटाइल के ऊपर होगा या वही नाइन्टी फाइव के आसपास नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स में रहेगा सेम विथ वन फोर्टी जो आ रहा है फिफ्थ का शिफ्ट वन नाइन्टी फाइव के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे वन फोर्टी पे वही नाइन्टी फाइव या नाइन्टी फाइव पे थोड़ा सा नीचे आएगा कुछ चलो लेट्स सी क्या आता है इसका बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है यही लास्ट पीवाईक्यू है इसके बाद हम लोग एक्सटर्नल क्वेश्चंस पे चले जाएंगे लेट अस सी अह मैन आर डिफिकल्टीज ऑफ द शिफ्ट्स ऑलरेडी इसके ऊपर सेशन है उन सेशंस को आप देख लेना मैंने भी एक लिया था अंशुल सर ने भी एक लिया था उनको देख लेना यहां पे मैं सेशन पे आउट ऑफ फोकस नहीं जाना चाहता बहुत ज्यादा थोड़े बहुत आंसर्स आप लोग पूछ रहे हो तो कर देते हैं लेकिन उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करना चाहता मैं क्योंकि आप एडवांस के लिए आप तैयारी हो जो हुआ हो गया उसको लेके आप दिमाग का दही मत बनाओ जितने अगर अगर आप सौ के ऊपर आ रहे हैं आ रहे हैं आपका स्कोर किसी भी शिफ्ट में नाइन्टी नाइन परसेंट चांस है कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो अगर एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो तो इस सेशन पे ध्यान दो तो। जो हो गया उसको बिता के कुछ ये नहीं आप अभी जान के कुछ फायदा होगा नहीं आपको दिलासा देने के अलावा ये पूरा मैं जो बता रहा हूं पूरा भी अलग भी हो सकता है जैसे जनवरी शिफ्ट में हुआ था ओके okay? मैथ्स की बुक एडवांस के लिए मैथ्स का मेरे को मत पूछो ऑलराउंडर मेरे को थोड़ा आइडिया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है आई थिंक इट्स बेटर कि आप अंशुल सर के सेशन में वो पूछना वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे वो मैथ्स के फैकल्टी तो में पढ़ाऊँ देखते हैं कार्तिक अभी तो मैं में पढ़ा रहा हूं हो सकता है ट्वेल्थ का बैच टू पढ़ाऊंगा मैं ग्रेविटेशन भी थियोरी का लेक्चर है हां है थ्री इज द आंसर आंसर प्रवीण आंसर राहुल टू करेक्ट चलो सॉल्व करते हैं फिर मैं बताया क्या बताया एस्केप स्पीड को जी और डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है तो सबसे पहला चीज मेरे को क्या पता है एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ टू जी आर अब जी तो ऑलरेडी दिख रहा है अंदर प्रॉब्लम है ये आर मेरे को आर को किसी तरह घुमा फिरा के इन टर्म्स सब डेंसिटी और जी में लाना है ठीक तो करेंगे कैसे अब देखो मास ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू टू फोर पाई आर क्यूब होता है, राइट right? अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखता हूं बाई फोर बाई थ्री पाई रो इन टू आर इज इक्वल टू आर मैं आर क्यूब को बस आर और इंटू आर किया और आर को मैं यहां लेके आ गया फिर उसके बाद मैं इस पर एक कैपिटल जी बिछा देता हूं तो अगर मैं कैपिटल जी बिठा दिया देखो जी एम बाई आर स्क् वो है फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी वो है स्मॉल फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी मतलब स्मॉल जी थ्री स्मॉल जी डिवाइडेड बाय फोर पाई रो इज इक्वल टू कैपिटल जी इनटू आर मतलब कैपिटल आर की जगह मैं बिठा सकता हूं मैं बिठा सकता हूं थ्री जी डिवाइडेड बाई फोर पाई इंटू डेंसिटी इंटू कैपिटल जी कैपिटल जी को नीचे लेके आ गया यही मेरा पर्पस था यहां तक लाना राइट right? अब बाकी चीजें कांस्टेंट है मेरे को सिर्फ ये देखना है कि जी स्क्वायर है और डेंसिटी है बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है मतलब माई एस्केप स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ जी स्क्वायर बाई रू मीनिंग दैट इज टेक्निकली इक्वल टू

रिजल्ट uh, कब तक आएगा फ्यू डेज एक वीक में आ जाएगा रिजल्ट विदिन अ वीक। यस मोस्ट वीकली वैष्णवी उसके ऊपर एक सेशन होगा यहाँ पे स्टे सब्सक्राइब उसके ऊपर एक सेशन हम लोग कर लेंगे तो जी पी वाई जी इज रूट सिक्स बाय इलेवन रूट सिक्स बाय इलेवन और डेंसिटी के रेशियो का इनवर्स है तो रूट थ्री रूट टू इसको काटो ये रूट थ्री छोड़ेगा रूट थ्री रूट थ्री इज थ्री बाई इलेवन तो अगर कि ऑलरेडी इलेवन दिया हुआ था तो इलेवन करोगे तो आएगा थ्री किलोमीटर पर सेकेंड यस मेनी पीपल गॉट इट इट इज थ्री किलोमीटर पर सेकेंड करेक्ट ऑलराउंडर प्रवीण सबसे पहले आंसर किया यस yes, जयेश भाई इट इज थ्री सबको विशिंग यू ऑल हैप्पी रामनवमी लेकिन रामनवमी है बोल के छुट्टी नहीं ले सकते एडवांस्ड है, है रामनवमी है लेकिन एडवांस्ड भी है चलिए गॉट रॉन्ग नो इश्यूज राहुल नो इश्यूज आई होप अभी समझ में आ गया है क्योंकि अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको पता रहे कि करना क्या है आपको वो यहां से आपका टेक अवे होना चाहिए अगर आप यहां पे सब कर ही दे पा रहे हो तो आप सीख क्या रहे हो ये तो ऑलरेडी आपको पता है तो अगर आपसे नहीं बना और आपने अभी सीखा दैट इज वॉट इज यूजफुल फॉर यू चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं होल ड्रिल्ड अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस आर इज इंसर्टेड इन टू दिस होल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रॉड फ्रॉम सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉट सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास तो सीधा पे आएगा. सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पोजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं फॉर्मूला फिर क्वेश्चन आसान बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज कहीं पे यहां पर सपोज एट एक्स एक्सएम एक्स सी सी एम नहीं सी जी बोलना चाहिए एक्स सी जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एफ डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ डीएफ क्या है डीएफ क्या है डीएफ रेफर टू द फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स एट अफिक पॉइंट मतलब मैं इस रॉड को अगर ऐसे तोड़ लू इन अ थिकनेस डीएक्स

तो वो कौन सा पॉइंट होगा यूजली सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर द सेम लेकिन इस टाइप के सेटअप पे जहां पे ग्रेविटी इट सेल्फ इज लेंथ नॉर्मली आप एक ऐसा रॉड लोगे हर पॉइंट पे ग्रेविटी का फोर्स सेम है तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है लेकिन अगर आप ऐसे लोगे तो आपको पता है ऑन द सर्फेस ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होगा एट द नीचे की तरफ ग्रेविटी वीकर होगा तो इसीलिए आपको अलग से सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होता है वहां पे अलग हो जाता है भी ऊपर जा सकता है एक्चुअली नहीं मैं वही बताऊंगा अराउंड नाइन्टी से फोर्स बाई थ्री फ्रॉम द सर्फेस हेलो दिदीप नाइस टू सी यू टू आर बाई थ्री हा दे दें सॉल्व वी हैव गॉट वन फ्रॉम दिदीप कोई और आंसर करना चाहते हैं इसको सिंपल इंटीग्रेशन लगाना है आप देखो This dx, इसको हम एट ए डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं राइट right? तो वहां पे डी एफ क्या होगा डी एफ इज इक्वल टू जी डैश इंटू डी एम एम जी होता है लेकिन जी नहीं लेंगे जी डैश लेंगे क्योंकि यहां पर ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली अलग होगा एट अ डेप्थ है सो जी डैश क्या है जी डैश जी इंटू एक्स बाई आर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ इज गिवन बाई दिस आपको शायद ये फॉर्मूला पता होगा वन माइनस डी बाई आर से लेकिन वहां पर डी हम फ्रॉम द सर्फेस मापते हैं यहां द यहां से माप रहे तब फॉर्मूला इज जस्ट एक्स बाई आर इन टू डी एम क्या है डी एम इज टोटल मास अगर एम है टोटल मास डिवाइडेड बाई द टोटल लेंथ जो की रेडियस इन टू द डीएक्स ये है मेरा डी एफ अब कुछ ही नहीं अब बस इसको उठा के वहां पे चिपका दो इट क्या आएगा ऊपर वाले पार्ट में एक्स इंटू जी एक्स बाई आर इंटू एम बाई आर डीएक्स लिमिट्स कहां से जाएगा लिमिट्स जाएगा जीरो से कैपिटल आर तक पूरा का पूरा रॉड है तो जीरो से कैपिटल आर तक नीचे क्या होगा नीचे जस्ट डीएफ है बस ये एक्स नहीं रहेगा जीरो टू आर जी एक्स बाई आर इंटू एम बाई आर डीएक्स राइट कुछ चीजें काट के उड़ा देते हैं जैसे जी बाई आर जो है वो तो कांस्टेंट होके बाहर निकल आएंगी तो उनको मैं काट के निकाल देता हूं यहां से एक्स मत काट देना प्लीज यहां से एक्स को मत काट देना क्योंकि वो इंटीग्रेट होगा बाकी चीजें तो कांस्टेंट होके बाहर आएंगी तो उसको मैं काट दे सकता हूं सो आई गेट टेक्निकली

तो ये आएगा आर क्यूब बाई थ्री नीचे वाला आएगा आर स्कू हटाओ इसको सो यस योर एक्स सी जी में बोला था सीजी इज इक्वल टू टू आर बाई थ्री याद रखना ये मैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बाफ्राउं उसको मैंने एक्स लिया था करेक्ट वैष्णवी प्रवीण दीप मैनाक करेक्ट इट इज टू आर बाई थ्री गुड वर्क स्टूडेंट्स चलो एक्सटर्नल क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे थोड़ी सी चीजें नई सीखने को मिल सकती है वहां पे तो मेक श्योर sure आप उस लाइक like बटन को हिट करते हो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन लेके बढ़ेंगे लेकिन वो लाइक like का नंबर भी बढ़ना चाहिए और टारगेट राइट नाउ इस पचास लाइक तक पहुंचना है राइट right नाउ अरे वैष्णवी जिन चीजों पे आपके हाथ में कुछ नहीं है उन चीजों को लेके आप डर क्यों रही हो जिस जो चीज जो चीज़ आपके हाथ में है उसको लेके आप सोचो कि आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है चौदह लाख हुआ अगर आप अगर आप बीस लाख होता पच्चीस लाख होता आप क्या अलग करते आप क्या कुछ अलग करते अगर कुछ अलग करते तो वो अभी से करो जो चीजें हाथ में नहीं उसको लेके मत सोचो डीएफ कैसे निकाला डीएफ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन जस्ट दिस पीस डीएक्स उस डीएक्स पीस का मास है डीएम डीएम है एम बाई आर इंटू डीएक्स मास इनटू दिस मास यूनिट द लेंथ जी डैश जो है जी डैश इज उस एक्स डिस्टेंस पे द ग्रेविटी ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको आपको पता पता है है ये वाला पता होगा, 1 -D by R. लेकिन D यहाँ पे बताता सरफेस तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं जी इन टू इधर भेजू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर आर माइनस डी क्या है अगर डी इज डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस डी टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो बस वहीं से आया जी एक्सपा यार वही अकॉर्डिंगली बिठाया हुआ है Is that clear? तो सभी बच्चों को मेरा यही एडवाइस है यार नंबर जितना बढ़ने दो बढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे फर्क आपको बस इतना देखना है कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया प्रॉब्लम वो तब चौदह लाख क्या तब अगर चार लाख भी देते तब भी आपका नहीं आता क्योंकि अगर नंबर चार लाख पे आती ना तो आई भी इतने नहीं होते उस तो अगर उधर पे नंबर बढ़ रहा है यहां पर भी बढ़ रहा है फिर भी उतने ही रहते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो आपको कुछ डरना नहीं है चौदह लाख ,00 बच्चे देते हैं उनमें हो सकता है मैक्सिमम सात से आठ लाख सीरियस कैंडिडेट होते हैं हर साल वो अगले साल पंद्रह लाख होगा फिर भी सात से आठ लाख ही सीरियस कैंडिडेट्स होंगे और जब मैं सीरियस बोल रहा हूं तब सीरियस मतलब उन्होंने कुछ तैयारी की है ये नहीं बोल रहा कि एकदम बढ़िया बढ़िया क्वालिटी लाख ही होते हैं बस चलो इसका बताओ कॉमेट इज गोइंग अराउंड द सन इन एन अराउंडिप्टल ऑर्बिट विद अ पीरियड ऑफ 64 फोर क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द कॉमेट टू दन जीरो पॉइंट एट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स वॉट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ द कॉमेट फ्रॉम द सन थर्टी वन पॉइंट टू वी चेक लेट सी सोल्व करो इसको आई गिव यू लिटिल टाइम क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जो पेरीहीलियन है पेरीहीलियन है जीरो पॉइंट एट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज टेक्निकलीवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन ये इन्फो आपके लिए यूजफुल रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव परसेंटाइल ओबीसी फर्स्ट अटेम्प क्या क्वालिफाई हो जाएगा चेक कर लेना मेरे को एक्जैक्ट रिजर्वेशन कैटेगरीज क्या परसेंटाइल प्रेडिक्ट मेरे को याद नहीं है हम लोग यूजुअली फैकल्टीज जनरल वाली याद रखते हैं थोड़ा सा चेक कर लेना आपको मिल जाएगा उसको रिलेटेड डेटा पास्ट इयर्स को देखो पास्ट इयर्स का जो रहेगा लगभग वही रहेगा राहुल हैज गॉट 6.4 ठीक है वी विल चेक यस इज द फिफ्थ क्वेश्चन इवन आई थिंक दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस आर टोटल 6.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑलराइट वी विल चेक We will check. <coughs> थोड़ा सा टाइम देते हैं बिकॉज आई बिलीव कुछ बच्चे इस पर थोड़ा आगे तो आप बढ़ी पाओगे वही इंपॉर्टेंट है

पे क्या बताता था? आपको पता है टी आर क्यूब। आर आपको पता पता है है रेडियस लेकिन रेडियस किस चीज का होता है रेडियस होता है फॉर सर्कुलर ऑर्बिट एलिप्टिकल में स्टोरी क्या है एलिप्टिकल में ये एक्चुअली फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब वट इज ए एज द सेमी मेजर एक्सेस एज द सेमी मेजर एक्सेस राइट तो अब इसके बदौलत आप देखो मैं इसको कैसे ट्रिक करूंगा कैसे वैल्यूज दिए हुए हैं उनको अपने फायदे के लिए मैं मैनिपुलेट करूंगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है कुछ नहीं जाऊंगा देखो मैं क्या करूंगा तो मैं लिखूंगा टी बाई इज इक्वल टू सॉरी टी स्क्वायर बाई टीई स्क्वायर इज ए क्यूब डिवाइडेड बाई आर एसई क्यूब अब ये क्या गलत लिखा मैं मैं रेशियो के सेम इक्वेशन का वन फॉर कॉमेट एंड वन फॉर अर्थ टी रेफर्स टू द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टाइम पीरियड ऑफ ऑफ रेवोल्यूशन द अर्थ और आर एस रेफर्स टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ कॉमेट भी है इसका भी है हर केस में टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है तो मैं अर्थ के साथ कंपेयर करता हूं फायदा क्या है करने का फायदा है कि टी का टाइम पीरियड क्या है एक रेवोल्यूशन का वन ईयर सो वन क्यूब को रहने दो डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ क्या है वही है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वन ए यू अच्छा वे टी ऑफ द कॉमेट दिया हुआ है सिक्सटी फोर

जो क्या देगा मेरे को सिक्सटी फोर टू दी पार टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स सिक्सटीन क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ गया मेरा वॉट इज द सेमी मेजर एक्सेस फॉर द कॉमेट राइट समझ आया मैंने क्या फायदा लगाया यहां पे अपना ये ट्रिक आपको एग्जाम में क्लिक करना है कैसे करेगा Normally नहीं करेगा अभी आपने आपका आया आपने देखा अब आपका आएगा जब एग्जाम में ऐसा आएगा तो आपको तब क्लिक करेगा इसीलिए मैं बोलता हूं आपको प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे क्वेश्चन उठाने हैं, राइट right? तो मेरे को ए मिल गया और ये ए क्या होता है ए इज इक्वल टू आर वन प्लस क्या है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है यहां से यहां तक है आपका सेमी मेजर एक्सिस अगर एक फोकस पे सन है तो दिस इज आर वन दिस इज आर टू राइट पेरी आर वन प्लस आर टू डिवाइडेड बाई टू ही ए है तो जस्ट फ्रॉम देयर आई नो आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू टू इन टू ए ए मेरे को मिला सिक्सटीन एय और जो पेरीलियन है वो मेरे को दिया हुआ है जीरो पॉइंट एट एयू मतलब आर टू इज इक्वल टू टू इंटू सिक्सटीन थर्टी टू माइनस जीरो पॉइंट एट आर टू इज इक्वल टू थर्टी टू एस्ट्रोनोम दैट इज दंसर आर वन प्लस आर टू बाई टू स्ट्राइक नहीं हुआ देखो आर वन ये सपोज सन है और कॉमेट ऐसे घूम है इस एलिप्टिकल पाथ पे

समझ में आया दीप यस करेक्ट जयेश थर्टी वन पॉइंट टू प्रवीण थर्टी वन पॉइंट टू ओके रिसीव आंसर फ्रॉम चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे इसको बताओ इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एडवांस में देने का एक पर्पस रहता है मैंने आपको पहले भी बताया एडवांस में वो सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं करते हैं। वो चेक करते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो मेंटली स्ट्रांग होना मतलब ये नहीं कि आप बस हैंडल कर पा रहे हो डिफिकल्ट चीजें ये भी है कि आप काम हो आप कंपोज हो कि नहीं और इसको टेस्ट करने के लिए वो लोग क्या करेंगे वो लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस के बीच में इजी क्वेश्चन डाल देंगे और अगर आप काम कंपोज नहीं हो

does what are you what you are doing does that make sense if it makes sense तो वही सही है ऐसा कोई बात नहीं है कि एडवांस्ड है मतलब उसपे बहुत तगड़ी चीजें लगेंगी तो यहां पे इट्स अ जस्ट अ रिलेशन आएगा ठीक है मैं कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है आगे वाले दीज आर ऑल रिलेशन बेस्ड कि ये t कोई रिलेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ ईटा और m इनके टर्म्स में एक रिलेशन आएगा अब एडवांस्ड में या इधर एमसीक्यू में आ सकता है मल्टीपल करेक्ट में आ सकता है या फिर इवन न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज डाल के भी आ सकता है मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कीप इट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स इजी क्वेश्चन है डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ओवर थिंक नहीं करना है आपको कोई ले लो कोई भी रीजन वो वो तुम्हारे सोचने का नहीं है किसी रीजन से है कहीं से फ्रिक्शन है ले लो हो सकता है ये आउट स्पेस में भी नहीं हो सकता ये एटमोस्फियर में ही एटमोस्फियर के अंदर तक ही रेंज में है वो लेट्स सी लेट्स सी स्टूडेंट्स वी आर एट फोर्टी फोर लाइक्स छह लाइक चाहिए पचास पहुंचने के लिए छह लाइक्स चाहिए पचास पहुंचने के लिए कैन वी गेट दैट सिक्स लाइक्स मेनाक हैज ऑलरेडी डन इट ठीक है वी विल सी ओके नो इश्यूज अगर आपका आ गया आप बस मेरे को डन लिख दो फिर मैं सॉल्व करके एंड में जब रिलेशन पे पहुंच जाऊंगा तब आप कंपेयर करना रवीन हैज गॉट एमजीआर बाय 4n ओके वी विल चेक यस शुभनवो वर्षो सनातन सभी बंगालीज को शुभ नवर्षो इवन दो दो तीन दिन हो गया है स्टिल टाइम मैनेजमेंट फॉर मेंस। मेंस तो अभी आगे बहुत दूर है लेकिन इन जनरल अगर आप 11, 12, 11 से ट्वेल्व में गए हो या 10 से 11 में जा रहे हो तो एक टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड भी लाएंगे mm. और किसी यू हैव डन अगर आपका वैसा हो रहा है कि चैट में लिखा नहीं जा रहा है तो आप डन लिख दो बस दैट्स फाइन फिर वे सॉल्विंग चलो राहुल हैज डन द दीप हैज आल्सो डन चलो करते हैं ओरिजिनली इट वाज स्पिनिंग एट अ रेडियस आर फोर आर तो व्हाट वाज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट

और ऐसा मत सोचो कि वहां पे सिर्फ मेरे को पोटेंशियल लेना है एक बार भी नहीं बताया कि वो हिट करके वो रुक गया है। वो मे बी जस्ट रुकने से पहले वाला मोमेंट है तो आप वहां पे भी टोटल एनर्जी निकालो पोटेंशियल नहीं तो टोटल एनर्जी ऑनफेस ऑफ दर्थ है रेडियस आर माइनस जी एम एम बाई टू आर तो द डिफरेंस इन एनर्जी डेल्टा ई कितना है डेल्टा ई इज इक्वल टू जी एम एम बाई टू आर माइनस जी एम एम बाई एट आर क्योंकि वो टू इंटू फोर आर है राइट सो यू गेट जी एम एम बाई टू आर कॉमन ले लो यूल है माइनस वन बाई फोर जो कि आपको देगा थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर दैट इज़ डेल्टा जो कि की थ्री जी एम एम बाई एट आर राइट अब ये डेल्टा ई e है और आपको पता है डेल्टा ई बाई डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट ईटास्टेंट इसीलिए कर सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन वगैरह के झंझट पे जाना पड़ता तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ईटा नेगेटिव है मैं नेगेटिव का नहीं ले रहा हूं तो साफ दिख रहा है चेंज से तो मेरा डेल्टा टी जस्ट डेल्टा ई बाई बाईटा डेल्टा ई वो है यू गेट थ्री जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एट ईटा आर दैट द आंसर ने डन लिखा था का सही आया इस पे चित्तों का सही आया मैच मैन करेक्ट राहुल गॉट करेक्ट चलो कोई बात नहीं प्रवीण गलत हुआ कोई बात नहीं चलो <laughs> बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे सैटेलाइट इज एट ए डिस्टेंस आर वन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द दर्थ एट इट्स एपोजी एपोजी मतलब जैसे होता है तो जब सन के अराउंड घूम रहा है तब एपीलियन पेरीहिलियन होता है

Let's see. <coughs> करो स्टूडेंट्स और फिर से सबके लिए अगर आपको कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको थोड़ा सा क्या होता है किस टाइप का पेपर होता है आप दे रहे हो लेकिन आपको उसका आइडिया नहीं है कैसे पढ़ना है कैसे अटेम्प्ट करना है अगर उसके ऊपर आपको कोई सेशंस चाहिए तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में चैट में नहीं कॉमेंट में ये वीडियो लाइव हो जाएगा उसके बाद आप एक बार वापस आके कमेंट सेक्शन में डाल दो yes, चलो मैं नक्का हो गया राहुल का भी an ठीक है, ऐसे आंसर पढ़ना मुश्किल है मैं सॉल्व करूंगा फिर आप बस बताना कि आपका करेक्ट मैच हुआ है कि नहीं देखो सबसे पहला चीज है ये जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब सपोज इस पॉइंट पे जब वो एपोजी पे है तब द स्पीड इज वी वन और जो पेरिजी पे है वहां पे स्पीड इज वी टू ठीक जब रेडियस आर टू पे है. तो आई नो एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हैज टू रिमेन कंजर्व्ड तो मासेस को निकाल दो यहां से आपका वी टू इज इक्वल टू V2 R2 R1. अब मैं V2 निकाल रहा ज्यादा क्यों? पे होगा।, होगा यही तो कैप्लस लॉ में था जब दूर जा रहा है तब उसका स्पीड कम है राइट तो मैं वी टू निकाल रहा हूं तो वी वन को ऐसे छोड़ते हैं लेट दिस बी इट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये आया दूसरी चीज जो कंजर्व रहेगी वो है द टोटल एनर्जी कि पेरीजी और एपोजी पे टोटल एनर्जी हैज रिमेन द सेम उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए मेरा इक्वेशन बनेगा सपोज एट द एपोजी हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर वन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के साथ ही आता है अब बोलोगे सर मैंने डायरेक्टली टोटल एनर्जी क्यों नहीं किया करके फायदा क्या है मतलब आप कर सकते हो फिर भी आपको आठ टू आर वन का रेशियो मिलेगा लेकिन इट्स बेटर टू प्रोसीड विद दिस क्योंकि आपको वी वन वी टू अकॉर्डिंगली बिठाना है राइट अगर आपने आठ टू आर वन अगर आपने टोटल एनर्जी से किया आपको आठ टू आर वन का रेशियो मिल गया लेकिन फिर भी आपको वी वन आर वी टू नहीं पता है आपको फिर दिक्कत होने वाली है राइट दैट इज इक्वल टू सेम चीज आप पेरीजी पे करो हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस जी एम एम आर टू टोटल एनर्जी हैज टू रिमेन द सेम तो कुछ चीजें मैं इधर इधर उधर कर सकता हूं कि V1 की जगह मैं V2 टू आर टू बाई आर वन बिठा दे सबसे पहले तो मास को हटाओ खाली खाली मैं वेरिएबल्स नहीं बढ़ाने मेरे को सो आई हैव हाफ इनटू वन स्क्वायर जो है वी वन स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं वी टू स्क्न स्क्वायर इसको मैं उधर लेके आ जाता हूं माइनस हाफ वी टू स्क्वल टू इस चीज को उधर भेजे तो आएगा क्या जीएम कॉमन लेके वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू आई कुछ चीजें ठीक है वी टू स्क्वायर कॉमन लेते हैं v2 स्क्वायर कॉमन लेंगे और इस हाफ को मैं क्रॉस करके उधर भेज देता हूं टू जी कर देता हूं तो v2 स्क्वायर कॉमन लेके मेरा आता है into R2 minus R1 divided by R1 R2. कुछ चीजें कटेंगी आर वन आर वन कटा एक

इंटू यहां एक आर वन बचा था वो आर वन रहेगा उसके साथ डिवाइडेड बाय आर टू आर टू प्लस आर 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 वन वन टू प्लस दिस इज द फाइनल वेलोसिटी जो कि आपको चाहिए अब थोड़ी चीजें आप यहां पे शिफ्ट कर सकते हो आर वन को नीचे लाके वन प्लस आर टू बाई आर वन भी कर सकते हो अगर आपको करने का मन हो बट यू कैन अदरवाइज कीप इट लाइक दिस ऑल्सो मैच कर आंसर देखो मैच करने के लिए हो सकता है थोड़े से आपको वेरिएबल्स पड़े हेलो यशवीर आई एम गुड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग हियर एम इज व्हाट एम रेफर्स टू द मास ऑफ़ द मास ऑफ़ द इट मैच दीप 11 से ट्वेल्थ मूव करने वाला हूं किस पे फोकस करे ज्यादा अभी ट्वेल्थ पे फोकस करो अगर इलेवेंथ आपका पूरा आपने पढ़ाई नहीं की है गलती तो की है लेकिन गलती सुधारने के लिए अभी पूरा जी जान से कुछ ब्रेक वेक आपके पास कोई ढीला देने का मोमेंट ही नहीं है लेकिन शुरू करो ट्वेल्थ को लेकर ठीक बढ़े आगे स्टूडेंट्स 47 पे यार तीन लाइक बढ़ा दो तीन लाइक बढ़ा दो वी रीच 50 फिर 50 होने के बाद आगे का गोल बताएंगे सेशन और कितनी देर का है क्या थकाना गई क्या या धीरज चली हमारे यहाँ धीरू है धीरज नहीं है बस चैट में धीरू है लेकिन बच्चों में धीरज नहीं है चलो अगला वाला इसको ट्राई करो बड़ा लंबा तगड़ा क्वेश्चन है लेकिन मेनली दो पार्ट से क्वेश्चन के चलो तो अंश सबके लिए मेरा यही एडवाइस है देखो हम यहाँ पे सेशन करेंगे डेढ़ दो घंटे वाला लेकिन आप सबको सिटिंग मारना है एडवांस के के लिए डेली घंटे चार -चार सेशन सिटिंग्स सिटिंग होने चाहिए जहाँ आप उठ नहीं रहे हो क्योंकि आपको दिमाग को ट्रेन करना है उतना हाई इंटेंसिटी उतनी देर तक स्ट्रेस हैंडल करने के लिए नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में मैंने बहुत जल्दी बताया था कल कल वाले सेशन में भी बताया था कि बच्चे स्टार्ट तो करते हैं जो शिफ्ट वन होता है तीन घंटे का उसके बाद शिफ्ट टू तक उनकी पूरी मतलब टैंक खाली हो गया उनका हालत खराब है कर ही नहीं पाते तो आपको वो बिल्ड करना है वो, वो एंड्योरेंस आपको बिल्ड करना है बिल्कुल निहाल केसीईटी में केसीईटी में आई बिलीव आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन नेगेटिव मार्किंग है क्या केसीईटी में अगर नहीं है तो मनमर्जी मारना वहां पे ठीक है मैंनाक मेक श्योर यू सी द रिकॉर्डेड सेशन हेलो शिवपूजन नो नेगेटिव तो मन मर्जी चिपकाना वहां पे कुछ छोड़ के मत आना चलो यहाँ पे क्या बताया हुआ है एक टनल है जो कि स्ट्रेट नहीं है इट्स इन द शेप ऑफ दिस आर्क लाइक शेप राइट आर्क लाइक शेप है और आपको बताया गया है कि बॉल ऑफ द टनल स्मूथ बॉल ऑफ रेडियस एम प्रोजेक्टेड इन टू द टनल एट अ स्पीड ऑफ वी बॉल कम्स आउट ऑफ द टनल एट बी एंड ऑफ दर्थ मासनल इज ऑल्सो आर तो यहां पर सबसे पहला वॉट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी ताकि वो इधर से निकल पाए क्या होगा और डोंट ओवर थिंक डोंट ओवर थिंक दिस फिर से थोड़ा थोड़ा करा है और थोड़ा है और बैकलॉग तो अभी किस पे फोकस 12th को आप अपने कोचिंग के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए पड़ जा रहे हो वो नहीं होना है, आपको 12th में अप टू डेट रहना है। और ट्वेल्थ का सिलेबस आपको कोशिश करना है अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको खत्म करना है पढ़ाई इसीलिए मैं सबको बोलता हूं अभी से शुरू करना है दीदी बी इज इक्वल टू दी एस्केप स्पीड करेक्ट बी इज जस्ट दी एस्केप स्पीड क्योंकि आप देखो आप देखो यहां से आप जिस भी स्पीड से फेंकोगे ना यहां से ये वही स्पीड से निकलेगा तो इट्स लिटरली लाइक आप वहां से फेंक रहे हो तो आपको अगर उसको एस्केप करवा देना है तो दैट वी हैज टू बी द एस्केप स्पीड क्योंकि इधर से यहां आते वक्त हो सकता है स्पीड बदले लेकिन जब यहां पे पहुंचा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो स्पीड भी सेम रहेगा सो इट इज जस्ट दी एस्केप स्पीड व्हिच इज रूट ओवर ऑफ टू जी एम बाई आर लेकिन अगला वाला पार्ट किससे आएगा लेट्स सी स्ड यस शिव पूजन इफ यू डू वेल नाउ स्टडी वेल नाउ एंड फॉलो प्रॉपर स्ट्रैटेजी यू कैन गेट वन एट्टी देखो मैंने कुछ दिनों पहले एक एडवांस के ऊपर एक सेशन दिया जहां पे आई

पूरा माइंडसेट अलग होता है आप मेंस में इट इज़ अबाउट आप योर स्टडिंग ठीक है इट्स अबाउट स्टडिंग इट्स अबाउट नोइंग मोर ज्यादा आप देख रहे हो चीजें इट्स स्टडिंग लेकिन एडवांस इज अबाउट ट्रेनिंग क्योंकि एडवांस में सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं होगा आपका दिमाग कितना हैंडल कर पाता है वो चेक होगा तो इट्स अबाउट ट्रेनिंग तो माइंड अलग है शिव पूजन सारे डिटेल्स आपको इन्फिटी लर्न डॉट कॉम पर मिल जाएंगे आप नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दो आपको सारी चीज़ें ओवर देर यू विल गेट विल यू यू एंड लेट नो एनर्जी कंजर्व करना होगा सही बात है आपको मेनली निकालना है देखो इस पॉइंट पे पूछा गया है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है तो आपको आपको निकालना है कि इस पॉइंट पे व्हाट इज द स्पीड व्हाट इज द स्पीड एट दैट पॉइंट निहाल इन फोर्टी डेज़ यू कैन गेट आई आई नॉट गिव यू अ फॉल्स होप कि यू विल गेट टॉप थाउजेंड रैंक बट पाँच हज़ार तक आप रैंक ला सकते हो चालीस दिन पढ़ के अगर आपके मेन्स के कॉन्सेप्ट ठीक है तो आप बहुत डिटेल में नहीं जानते लेकिन आपको जितने जानते हो आप समझते हो कि क्या क्यों होता है अगर वो आपका है तो आप पाँच हज़ार के नीचे तो रैंक ला दोगे पाँच हज़ार के नीचे विल गेट अ गुड आई आई टी और अ गुड स्ट्रीम यही मेंस पे फोकस करें आप मेंस पे करो साथ में पैरेलली एडवांस करते रहो आप जिस कोचिंग में हो वो इफ इट्स अ गुड कोचिंग दे विल डू द थिंग फॉर यू आप अलग से लगेगा ही नहीं कि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो पैरेलली होता रहेगा रूट थ्री जी एम बाई ठीक है चलो करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन करना है मेरे को बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट तभी मेरा वेलोसिटी आएगा राइट वॉट और याद रखना यहां पे मेरा वेलोसिटी वेलॉसिटी वेलोसिटी सो वॉट इज द एनर्जी वॉट इज द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट मेरे को ये बताओ चैट में इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इसको मैं चलो पॉइंट सी बताता हूं राइट right? तो यहां पे आप देखो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए सॉरी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो क्यों क्योंकि आप अगर हाफ बी स्क्वायर और साथ ही साथ माइनस जीएमएम बाई आर करोगे ना आपका जीरो आएगा क्योंकि इस पॉइंट पे आप उतने उतना स्पीड दिया है ताकि वो उसके पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर पाए सो द टोटल एनर्जी हियर इज एक्चुअली 0 इवन दो देयर इज अ स्पीड क्योंकि टोटल काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल वही करके तो आप एस्केप वेलोसिटी निकालते हो राइट right? समझ में आया ये वाला लॉजिक तो मतलब मेरे को बस निकालना है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है सपोज वहां पे द स्पीड इज लेट्स से द स्पीड इज v0 अच्छा V0 नहीं बोल सकते वी नॉट का इस्तेमाल हो गया है चलो इसको यू बोलते हैं यू बोलते हैं लेट द स्पीड एट दैट पॉइंट भी यू ओके तो हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस आर बाई टू फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड साइड अकल शेल एट अ डिस्टेंस आर जी एम जी एम एम बाई टू आर क्यूब इन टू थ्री आर स्क्वे माइनस आर स्क्वे होता है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी और रादर पोटेंशियल एनर्जी एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर इन अ सॉलिड अड्स इन अ सॉलिड अडस्पियर यहीं से आता है आपका वो थ्री बाई टू जी एम बाई आर जो कि एट द सेंटर पे वैल्यू आता है राइट right?

डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर और इस क्यूब को काट के फोर का भी बाहर आएगा सो एट आर दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी वो बिठाओ और याद रखना दिस कम्स विद नेगेटिव साइन कम्स विद नेगेटिव साइन माइनस इलेवन जी एम एम बाई एट आर अब आपको पता है टी ए शुड बी इक्वल टू टी सी टोटल एनर्जी हैज रिमेन कंजर्वड सी इज इक्वल टू टी ए मतलब दिस हाफ एम यू स्क्वेर शुड बी इक्वल टू इलेवन जी एम एम बाई एट आर हटाओ फोर से सो यू गेट एम को भी हटाओ यू स्क्वेर इज इक्वल टू इलेवन जी एम बाई फोर आर रेड यू गेट इट आया यहां पे आई एम श्योर इस स्टूडेंट्स थोड़े फंस गए थे ये शायद नहीं था मेरा आवाज कम आ रहा है बाकी लेट मी नो एवरी क्या मेरी वॉइस क्लियर है क्या मेरी वॉइस क्लियर है तो मेरे को मिल गया यू स्क्वायर राइट अब अब यहां पे क्या हो रहा है इस पॉइंट पे आप देखो ग्रेविटी उसको खींच रही है इस तरफ राइट, इवन सेंट्री फ्यूगल फोर्स भी उसी तरफ है क्योंकि वो एक्चुअली सर्कल में उधर उधर वाला सर्कल में घूम रहा है वो और ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी डैश प्लस एम यू स्क्वायर बाय आर आर नहीं होगा स्मॉल आर लिखते हैं अभी के लिए ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जी डैश क्या है जी डैश इज एक्सीडेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट आर बाई टू विच इजी बाई टू क्योंकि जी इंटू एक्स बाई आर होता है एक्स बाई आर में आर बाई टू बिठाओगे इसका वहां पर हम ये डिस्टेंस नहीं लेंगे बाई आर में सर्कल का रेडियस मार रहा है कितने बड़े रेडियस का सर्कल मार रहा है फुल आर या वाई यहां पर so जगह बैठे, बैठेगा इलेवन जी एम बाई फोर आर फोर आर राइट यहां पर भी स्मॉल जी को बदल देते हैं थोड़ा सा स्मॉल जी को बदल के जीएम बाई आर स्क्वायर कर देते हैं जीएम बाई आर स्क्वा करते हैं तो कॉमन लेते हैं जीएमएम by 2r square so i will have 1 plus 11 by 2 which will be equal to uh, 2 plus 11 which is 13 right 13 gm by 4r square ठीक है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सही किया ना मैंने हाँ बिलीफ सही आया है जीएम बाई बाई आर हाँ राइट यस काइंड ऑफ लाइक दैट पूछो प्रवीण बट क्यों है तुम्हारा वहां पे क्लियर है बट व्हाट इज द इशू मेरे को लग रहा है इसका आंसर थोड़ा अलग आता कहां पे कुछ अलग हुआ हमारा इलेवन जीएम बाई फोर रहा है

ओके okay? ये वाला क्लियर है सबको हाउ मेनी क्वेश्चन रिमेनिंग आई थिंक दो क्वेश्चन बाकी है और ये और एक और हाँ बस टू मोर क्वेश्चन लेफ्ट दिस एंड वन मोर कितना बज रहा है टाइम क्या हुआ पांच बज रहा है ना तो दो घंटे का तो सेशन होने वाला था आहिस्ता आस्ता समझ के करेंगे इसको चलो इसका बताओ प्लानट इज अमोजीनियस बॉल रेडियस आर हैविंग अ मासउंडेड बाई अ डेंस एटमोस्फियर है डेंसिटी रो इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई आर वेर रो सिग्मा नॉट इज अंस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इट इज फाउंड एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एटमोस्फियर फाइंड सिग्मा नॉट इन टर्म्स ऑफ एम एन आर चलो इसका बताओ कोई जन... कोई रेगुलर डाउट है तो वो डालना नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दे सकते हो बाद में आई ट्राई टू टेक इट अप फॉर द नेक्स्ट वन क्योंकि चैट पे पूरा आंसर नहीं है अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है कि सर ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वहां पे आई कैन हेल्प यू आउट लाइव सेशन पे advanced, मैंने जेई एडवांस दिया था लेकिन सिर्फ फिजिक्स करके आया था तो मेरा वही उस टाइम पे भी 120 के अराउंड होता था मेरा 100 105 ऐसा कुछ आया था लेकिन मैथ्स केमिस्ट्री मेरे से नहीं हो पाता तो मैं नहीं कर पाया था मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था मैथ्स भी बहुत वीक था मेरे को बस उतना ही मैथ्स आता था जितना फिजिक्स में लगता है मैंने आई जैम दिया था आई जैम होता है ग्रेजुएशन uh, के बाद होता है विच इज लाइक जेई एडवांस्ड बट थोड़ा थोड़ा और चैप्टर्स रहते हैं थोड़े और डिफिकल्ट होते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है सिर्फ फिजिक्स पे होता है तो वो मैंने 2016 में दिया था इसका बताओ होमोजीनियस बॉल रेडियस आर हैविंग मास मतलब ये आपका प्लैनेट है रेडियस आर वाला प्लेनेट मास प्लेनेट

वॉट इज सिगमान कौन से स्टेट से बिलोंग करता हूँ? आई फ्रॉम वेस्ट बेंगाल श्रमिक तुम तब सौमिक नहीं होगे, गए तुम तो अब श्रौमिक मेरे लिए चलो गो फॉर दिस ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ये भी इजी आप लिटरली फाइंड करो कि व्हाट इज देशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट आर लिटरली लाइक सोचो कि इसके अंदर इनक्लोज मास कितना है इनक्लोज मास इन साइड दिस ओरिजिनल तो टोटल मास एम है जो प्लेनेट का मास है वो तो है प्लस ये जो एटमोस्फियर की वजह से कितना मास है वहां पे राइट right? एटमोस्फियर की वजह से कितना मास है एटमोस्फियर की वजह से द मास वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी एंड द रेडियस विल गो फ्रॉम कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक विच इज वॉट दैट इज कैपिटल एम प्लस रो इज सिग्मा नॉट बाई आर इन टू डीवी क्योंकि स्पेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है तो मैं dv को लिख सकता हूं एज फोर पाई आर स्क्वायर डी आर एक r को हटाओ यहां से सो यू गेट m प्लस फोर पाई सिगमा नॉट इन टू आर डी आर इज आर स्क्वायर बाई टू विच विल बी टू इन टू लिमिट्स डायरेक्टली बिठा देते हैं सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर होगा उल्टा लिख दे रहा हूं मैं स्मॉल आर स्क्वायर इज ग्रेटर

टू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है एक्सपेंड किया इसको बस मैंने आ, हमने एक्स्ट्रा एम कोई डाउट नहीं है ठीक है चलो डिलीट कर दिया तो हम एज्यूमिंग वो डाउट तुम्हारा क्लैरिफाई हो गया है माय कॉलेज माय कॉलेज इज आई टी खड़गपुर श्री राम अब देखो आप चाहते हो कि ये जो स्मॉल जी है वो स्मॉल आर पे डिपेंड ना करे अब स्मॉल आर पे कौन से टर्म्स है ये है और ये है तो आप चाहते हो अगर स्मॉल आर पे डिपेंडेंसी नहीं है देन दिस टर्म शुड कैंसिल आउट दिस टर्म राइट तो आल राइट इट हियर इफ इफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर इफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर तो ये GM एम बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा नॉट जी कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर जी इसको हटाओ क्यों मैं बता रहा हूं क्योंकि तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके योर नॉर्मल एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ ये टर्म आएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर राइट सो यू गेट क्या मैं सिग्मा नॉट ढूंढ रहा था सिग्मा नॉट इज एम डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई टू पाई आर स्क्वाट इज दंसर ओके कॉलेज बिफोर आई टी जैम सेंट जेवियर्स कोलकाता मेरे को यार मैं हर कॉलेज में गया हूँ ना मेरे को वो ब्रांड चाहिए थे आई आई तो मैं ठीक है बन जाता मेरे को वो जवेरियन ब्रांड चाहिए था मेरा बहुत पहले से स्कूल टाइम से टारगेट था मेरे को जेवियस में जाना है बड़े आगे आई होप ये वाला क्लियर है चलो सॉरी सॉरीजीत ये वाला गुड क्वेश्चन लगा पिछले वाले अगर तुमने देखे पिछले वाले तो और अच्छे लगेंगे तुमको अच्छा स्मॉल एस्टरॉयड इज अप्रोचिंग अ प्लैनेट ऑफ मास एंड रेडियस आर फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस इनिशियली इट्स वेलॉसिटी यू इज अलॉन्ग अ टू द सर्फेस मतलब जब इन्फिनिटी से वो एस्टेरॉइड आ रहा है लिटरली इन्फिनिटी पर सोच लो तब उसके वेलॉसिटी का अगर मैं स्ट्रेट लॉइन ड्रॉ करूँ तो वो इट गोज लाइक दिस राइट टैंजें अब बोला गया है कि वेन इट हिट्स इट फॉल्स ऑन द सर्फेस मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द वर्टिकल मतलब सोचो ऐसे जाके ऐसे हिट करता है सच दैट हियर दिस एंगल इज थर्टी डिग्री वो ऐसे जगह पे ऐसे वेलोसिटी से हिट करता है कि दैट एंगल इज 30 डिग्री अब पूछा गया है कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड यहां पे तो चलो स्पीड बदल के आया व्हाट इज द इनिशियल स्पीड लेट्स चेक स्टूडेंट्स 53 लाइक्स पे हैं उस नंबर को पुश क्या कर सकते हैं 60 तक भेज सकते हैं क्या कैन वी सेंड इट अप टिल 60 बटन like और ऐसे सेशन एक के बाद एक आने वाले हैं कल फिर से केमिस्ट्री का है, maths, फिर आने वाला है। तो मेकर sure आप लोग सब्सक्राइबी साथ ही साथी की भी जरूरत पड़ेगी तो वो सारी चीजें आपको अभी बताते हुए जाएंगे हम वो फॉर दिस और साथ ही साथ आप यह भी जान लेना की इन्फिनिटी लर्न की तरफ से फॉर जेई एडवांस्ड तो वो लिंक आ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा स्क्रोल करना बहुत सारे लिंक्स रहेंगे वहां पर रहेगा फ्री एडवांस मॉक टेस्ट उसको खोलना आप वहां पर दस एडवांस मॉक टेस्ट मतलब जिस मॉक टेस्ट पे पिछले साल चिटविलास टॉप किया था जिस लेवल के मॉक टेस्ट पे श्री चैतन्य के मॉक टेस्ट पे वो सारा आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा तो मेक श्योर sure आप उसको जरूर जरूर करना करना उसको जरूर करना। में वर्मा किया था भाई मैंने जैम ग्रेजुएशन के बाद भी एच वर्मा किया right? है ये प्रिपरेशन स्पेसिफिकली नहीं किया था मैं ज्वाइन किया था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट एकदम इलेवेंथ के शुरुआत में बट देन मेरे को अगर फिजिक्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आता था तो मैं बस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फिजिक्स करता रहता था तब तो मेरा मैथ्स कैमिस्ट्री ख़राब था छः महीने बाद मैंने वो वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़े ऑफलाइन था और ऑफलाइन में इट्स अ बहुत ही ज़्यादा इट्स अ वेरी डिफरेंट थोड़ा मेरे को लग रहा था वहाँ पर थोड़ा सा टॉक्सिक इन्वायरमेंट था तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था फिर मैं खुद से मैं अलग भी पढ़ता रहता था ऐसा नहीं कि मैं बिना फैकल्टी के पढ़ता था ऑब्वियसली मेरे टीचर्स थे लेकिन मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपको केमिस्ट्री मैथ्स भी कराने थे और जिसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं था मेरे को आई जाना नहीं था उस टाइम पर मेरे को फिजिक्स लेके ही पढ़ना था तो मैं जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन करता ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चन करता रहता था फॉर फिजिक्स लेकिन बाकी मैथ्स केमिस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी आ रहा है क्या किसी का ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन एंड साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन दो चीजें लगेंगी दो चीजें लगेंगी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम होना है और दूसरी चीज है कि इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी दो इक्वेशन आएंगे उनमें से आपका यू निकल आएगा चलो एल जस्ट गिव

ओके okay. खरे इसको वन मोर मिनट फाइव सेवन है। मैं फाइव एट को इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा ओ यू आर फ्रॉम द ऑनलाइन कोर्स यस वी हैड अ क्लास ओ ओ हाय आयुषी बट इफ यू टुक अ क्लास विथ मी यू आर इन क्लास इलेवन राइट यू वॉन्ट गेट दिस राइट नाउ जब तक ये चैप्टर हुआ नहीं है आपका आदित्य जो क्वेश्चन आपने दिया है सिमिलर चीज पे मेरा ग्रेविटेशन के जो पुराने लेक्चर्स है उसमें ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप अकॉर्डिंगली पोटेंशियल का भी निकाल सकते हो ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है सिमिलर टाइप उसमें फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था आपका ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराया हुआ है ये वाला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में भी कराया हुआ है ठीक है करें इसको सॉल्व अब इसको सॉल्व करें तो देखो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था इनिशियल मैंगुलर मोमेंटम मास ये डिस्टेंस आर तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम वाज़ सॉरी कैपिटल वाज़ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या है एम इनटू वी जिस मोमेंट पे हिट कर रहा है डिस्टेंस आर है एंड एंगल बिटवीन वी एंड आर एंगल बिटवीन वी एन आर इज थर्टी डिग्री आर साइन है राइट हाउ डू नो एनर्जी एनर्जी अगर तुम पूरे सिस्टम का सेटअप देखोगे वहां पर तो और कोई एक्सटर्नल एजेंट है ही नहीं दो ही चीजें हैं, राइट तो उसके बेसिस पे एम आर आर को काटो सो साइन थी टू टू यू

सरफेस ऑफ द प्लैनेट तब है हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी माइनस जीएमएम बाय रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज द पोटेंशियल एनर्जी तो वी इज इक्वल टू टू यू बिठाओ इससे पहले पूरा ये करो एम्स को निकालो सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर की जगह मैं फोर यू स्क्वायर कर देता हूं टू है v इज टू है माइनस यहां पे एक टू आर आएगा टू क्योंकि मैं ये हाफ को उधर पे मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू इक्वेशन हाफ से मल्टीप्लाई सॉरी टू से मल्टीप्लाई किया तो आएगा क्या थ्री यू स्क्वल टू टू जी एम बाई आर सो एल गेट यूल टू जी एम डिवाइडेड बाई थ्री आर दैट इज that दैट इज दिस स्पीड which it कम्स ताकि वो 30 डिग्री पे हिट करे लैंड करे रूट टू बाई थ्री जी एम बाइर क्लियर है आपको फायदा मिला है कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है ग्रेविटेशन के चैप्टर में ऐसे हम लोग करते रहेंगे तो मेक श्योर sure आप सब्सक्राइब रहो मेक श्योर sure इस वीडियो को आप लाइक करो अपने दोस्तों में शेयर करो क्योंकि याद रखना यह या आप ही लोगों के शब्द हैं मेंस का वीडियो शेयर नहीं करेंगे सर क्योंकि, क्योंकि लोग डर जाते हैं तो अगर ऐसी बात है, तो आप जरूर शेयर करो वीडियो कि के कर तो लाइक मार दो 55 likes, इसको थोड़ा सा टू पुश इट फर्दर और कॉमेंट सेक्शन में डालो आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए किस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या एनीथिंग इन पर्टिकुलर हम लोग चीजों को एड्रेस करेंगे Okay, so thank you all so much for tuning in for this session. Catch you all again in the next one.